हेलो बच्चों, अब अपने करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड का तरीका क्या होता है, जैसे अपने को क्वेश्चन में दिया कि गुणनखंड करो। यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन लेके आई हूँ। सबसे पहले अपने गुणनखंड कैसे करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बाह्य पदों का गुणन करते हैं। x को किया, 12x आया। अब जो 12x है ना, वो किस किस के टुकड़े हैं, जोड़ने या घटाने पर, गुणा करने पर तो 12x आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 4। अब देखो 12 का मैं यानी 4 इंटू 3 करती हूँ, 4 को 3 से गुणा किया 12 आया, और 4 में 3 जोड़ा तब कितना हुआ, 7 आया। जोड़ते हैं तब निशान सेम होगा, अगर घटाएंगे तो निशान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे x की स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 3x प्लस के 12। 4 में 3 जोड़े माइनस के टोटल 7x होगा। 4 को 3 से गुणा किया 12, माइनस को माइनस से किया प्लस हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन है तो अंदर क्या बचा, x माइनस 4। इसमें कॉमन आ रहा है माइनस का 3, तो अंदर क्या बचा, x माइनस के 4। हमेशा ध्यान रखना ये संख्या सेम होनी चाहिए। तो इनमें जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे, और एक गुणनखंड x माइनस 4 होगा, दूसरा x माइनस के 3 हो गए, यानी ये इसके दो गुणनखंड हो गए। अगर अपने यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे तो कितने आएगी, 3 आएगी। तो ये क्या हो गया, अपना फर्स्ट गुणनखंड हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह अपने सेकंड गुणनखंड लेके आए ये। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना है, 20 है। 20 किसके होते हैं, 4 इंटू 5। ठीक है, 4 को 5 से गुणा किया, क्या हुआ, 20 हुआ। अब देखो यहाँ पे एक 4 में से अगर मैं 5 में से 4 घटा दूँगी तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, मतलब दोनों में निशान क्या होगा, चेंज होगा। जो यहाँ पे जो निशान होता है वो बड़ी संख्या है उसके आगे को, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x माइनस x की स्क्वायर माइनस के 5x में से प्लस के 4x के माइनस के 20। 5x में से 4x गए, दोनों निशान अलग है तो माइनस का एक एक्स बचा। 5 को 4 से गुना किया 20, और माइनस को प्लस से किया, क्या हो गया, माइनस हो गया। दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, x माइनस का 5, और यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 4, x माइनस के 5। हमेशा ध्यान का अंदर का जो ब्रैकेट है वो से अंदर की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। तो क्या हुआ, x माइनस का 5, और सेकेंड है x प्लस का 4। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस है, जीरो रखेंगे तो प्लस आएगी, और जो प्लस वाली है वो क्या आ जाएगी, माइनस की। तो ये एक्स के कितने हो गए, दो मान हो गए। हमेशा ध्यान रखना जितनी पावर होगी उसके उतने ही मान होंगे। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स के मान 2 आए हैं। अगर पावर 3 होगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इस हिसाब से किसी भी संख्या का अपना गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू।